गृह मंत्रालय ने न्यूजीलैंड के यूट्यूबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और इस समय वो काफ़ी पॉपुलर हैं भारत में। तो यहाँ पे आप जानेंगे रीज़न जिसके कारण उनको भारत आने पर प्रतिबंध लगाया गया या फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। पहला कारण यह बताया गया है कि कोई भी विदेशी अगर भारत आता है तो उनको स्पष्ट करना होता है अपने वीज़ा में कि वे किस कारण भारत आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी भारतीय अगर USA, रशिया, चाइना, फ्रांस जाना चाहता है तो उनको बताना पड़ता है वीज़ा में कि वो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं या फिर किसी अन्य पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो कभी कभी आपको इंटरव्यू तक देना पड़ता है, तभी आपको वीज़ा मिलता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कॉर्लॉक ने वीज़ा नियमों को नहीं माना है। हाउएवर, मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि ही हैज़ टेकन पार्ट इन NTCA प्रोटेस्ट, विच यू कैन ऑल्सो सेड NTI प्रोटेस्ट, एंड नो फॉरनर हैज़ राइट टू प्रोटेस्ट।